संक्रांत का त्योहार आते आते प्रतिबंधित नायलॉन मांजा की अवैध बिक्री भी जोरों शोरों पर होती है। इसी पर नकेल कसने के लिए शहर पुलिस भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने 196 बंडल नायलॉन मांजा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में सहायक पुलिस निरीक्षक अजय लिंगनोरकर ने अधिक जानकारी साझा की। नायलॉन मांजा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने 196 बंडल नायलॉन मांजा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में दसरा रोड मांगपुरा निवासी प्रियांक दीपक राव जावलकर और कर्नल बाग नई शुक्रवारी निवासी सौरभ हरिश्चंद्र बनोदे का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रियांक अपने घर से नायलॉन मांजा बेच रहा है। खबर के आधार पर मंगलवार की दोपहर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। बड़े पैमाने पर नायलॉन मांजे के बंडल पुलिस के हाथ लगे। उससे माल बेचने वाले के बारे में पूछताछ की गई तो प्रियांक ने बताया कि सारा माल उसे सौरभ बनोदे ने बेचने दिया था। इसके बाद पुलिस ने सौरभ के घर पर छापा मारा। दोनों के पास से 1,38,000 रुपए का नायलॉन मांजा जब्त किया गया। आम्हाला गुप्त बातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली की प्रियांक दीपकराव जावळकर नावाचा इसम त्याच्या रातेघरून शासनाने प्रतिबंधित केलेला नायलॉन मांजाची विक्री करीत आहे। अशा माहितीवरून आम्ही माननीय वरिष्ठांना माहिती देऊन स्टाफसह त्या ठिकाणी गेलो असता प्रियांक जावळकर याच्या राहते घरी तो मिळून आला। त्याच्याकडून आम्ही 9 बंडल नायलॉन मांजा जप्त केला। 2 पंचासमक्ष प्रियांक जावळकरला त्याच्याकडून मांजा जप्त केल्यानंतर प्रियांक जावळकर याला आम्ही विचारलं की हा माल तू कुठून घेतला आहे, तर प्रियांक जावळकर यांनी सदरचा माल सौरभ हरिश्चंद्र बनोदे राहणार कर्नल बाग गणेश पोस्ट गणेशपेठ हद्दीतून घेतल्याचे सांगितले। इंस्पेक्टर मुकुंद ठाकरे, भारत शिवसागर और पीटी एरकुटी के मार्गदर्शन में एपीआई अजय लिंगनूरकर, हेड कांस्टेबल वामन ठोमरे, राजेश कांस्टेबल, अंकुश हरीश चंदन खेड़े, अंबिका प्रवीण और राकेश ने कार्रवाई की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।